हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं अपना रोज वीडियो शुरू करती हूँ। देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। देखिए, पहला कार्ड आया है हार्ट ब्रोकन का। जो आपके किसी रिलेशनशिप में ब्रेक का, कोई आपका रिलेशनशिप, जो आपका रिलेशन है वो ब्रेक हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करूँ, ये रिलेशन ब्रेक लव अफेयर में भी हो सकता है, घर में बहन भाई का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, और भी किसी संबंध से आपका रिलेशन टूट सकता है, मित्र से मित्रता खत्म हो सकती है। तो आज हम ये देखते हैं कि ये जो पहला कार्ड आया है ये क्यों आया है और किस वजह से हुआ है, हम इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, कारण जानने का कोशिश करेंगे कि इस हार्ट ब्रेक के पीछे, इस रिलेशन के पीछे कारण क्या था। एंजल से यही प्रार्थना की है कि इसका कारण बताएं, क्यों हुआ। दो कार्ड आए हैं, देखिए ये संबंध क्यों खत्म हुए इसका कारण बता रहा है ये कार्ड। हम आज इसी की खोजबीन में है कि क्यों, कैसे ये आपका हार्ट ब्रेक हुआ। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म होने के पीछे एक तो आपके जीवन में एक टावर मोमेंट आया है, उस टावर मोमेंट की वजह से आपके इन संबंधों में एक रोक हो गई है, ठीक है। इसके बाद ये कार्ड ये भी बता रहा है कि उन्होंने कुछ पैसे की आपके साथ धोखाधड़ी की है, कुछ बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग में जो लेन देन था वो आपने शायद उनको ये अथॉरिटी दी होगी कि वो जब चाहें पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, आपने दी होगा, सैनिटाइज पावर दी होगी कुछ, तो उसमें घपला हुआ है जिसकी वजह से आपका रिलेशन इनसे टूटा है, संबंध खत्म हुआ है और आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। और ये जो आपके साथी थे इनका पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन इनमें एक सडन चेंज आया। पहले ये ऐसे नहीं थे, जब आपने इनके साथ मिल करके संबंध बनाए होंगे इनके साथ, देखिए चाहे आप अब इसमें बात चाहे लव अफेयर हो उसकी बात भी है, पहले बहुत फेथ होता है, लव होता है, एक दूसरे के ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन बस जब धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगता है तो फिर जब मन टूटता है तो धीरे धीरे इंसान अपना रिलेशन भी ख़त्म करता है। इसके बाद सडन चेंज आया है उनमें, और इसके बाद उनकी इन हरकतों को देखते हुए, उनकी इस तरह की हरकतों को देखते हुए, उनकी इस तरह की एक्टिविटीज़ को देखते हुए, वो एक्टिविटीज़ जो आपके विरुद्ध जा रही थी, आपके खिलाफ जा रही थी, तो आपने अपने आप को अवेकन किया, आपने एक जागृति आई, आपकी आंख खुली कि ये तो गलत हो रहा है मेरे साथ,
शायद आपको पता तो काफ़ी समय पहले चल गया था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन एक आपका फेथ था, एक आपकी आँख की शर्म थी, एक पर्दा था लिहाज का, आप बोले नहीं, लेकिन जब हद हो गई तो आपको अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है पहले आप इनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आज हम रीडिंग ले रहे हैं हार्ट ब्रेक की, कि आपका हार्ट ब्रेक किन कारणों से हुआ, आपका संबंध किन वजहों से खत्म हुआ। पहले आप इनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में थे, इनके प्रभाव में थे, और उस प्रभाव की वजह से क्या हो रहा था, उनकी कुछ ज्यादतियां भी, उनकी कुछ आपके पर ज्यादतियां कर रहे थे, उन्हें आप झेल रहे थे, लेकिन एक झेलने की भी एक सीमा होती है, जब वो सीमा लांग गए तो आपका भी धैर्य जवाब दे गया। वैसे आप बड़े, आप में स्ट्रेंथ है, आप बड़े सहनशील हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब शारीरिक बल से नहीं, यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब बुद्धि बल से और मानसिक बल से। आप काफ़ी धैर्यवान रहे, आपने अपनी पूरी धैर्य की शक्ति इसमें लगाई रखी थी कि भी आज नहीं तो कल, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है, अगर आपका संबंध खत्म भी हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं। किसी समय आपके दिमाग में ऐसी बात आती है कि मुझे इसे कन्विक्ट करना है, ऐसा भी आपके मन में एक रोष, जो आपके साथ हुआ है उसका एक रोष आप में अंदर होता है, उस रोष में जब आप आ जाते हैं तो आपके मन में आता है कि मैं अब इसको सबक सिखा के रखूँगा, इसको कन्विक्ट करके रखूँगा। लेकिन फिर जब आप बैठते हैं, आप थोड़ा शांत होते हैं, तो आप कहते हैं कि छोड़, लेट गो, जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए जो सबक मिला है उसको मुझे सीख करके आगे जाना है। तो दो कारण तो हो गए, अब अगला देखते हैं क्या आता है। ये कार्ड मल्टीपर्पज बता रहा है, मतलब कि अगर आपका लव अफेयर था, या आपका बिजनेस अफेयर था, या आपका कोई फैमिली अफेयर था, किसी में भी अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो अब आप क्या करने वाले हैं, आप उस जगह को ही छोड़ने वाले हैं जहाँ पर ये, जिस जगह पे ये घटनाक्रम हुआ है, आप उस जगह को छोड़ करके कहीं और विजिट करना, मतलब कहीं और जाना चाह रहे हैं, चाहे आप टेम्परेरीली जाएं, चाहे परमानेंटली जाने का विचार करें। ये अब हर व्यूअर की अपनी अलग अलग परिस्थिति होगी, और उस अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग हालात में आप अलग अलग डिसीजन लें। तो आपको अपनी ये नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर आ गई है इन सर्कमस्टांसिस को फेस करते हुए, उससे क्या हो रहा है कि आप डिप्रेशन से में जा रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं। इस चीज़ को हटाने के लिए आप अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं, कि नया जगह होगा और नए लोग होंगे, उनमें आपको ये पुराना माहौल नहीं मिलेगा, तो आप बार बार उस परिस्थिति में नहीं मन को डुबोएंगे। तो आप बड़े दुख से, बहुत दुख से, मन नहीं है आपका इस जगह को छोड़ने का, लेकिन आपको इसमें घुटन होने लगी है, आप अपने आप को घुटन में महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आप इस जगह को छोड़ना चाहते हैं। छोड़ दीजिए, स्थान परिवर्तन से भी मन परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा तो परिस्थितियों का भी परिवर्तन होगा। आप इस स्थान परिवर्तन को कीजिए, और बड़े अच्छे तरीके से कीजिए, नो प्रॉब्लम।
क्योंकि ये जो आप चेंज स्थान परिवर्तन करेंगे ये आपके मन में भी हार्मनी लाएगा, शांति लाएगा, एक सुकून देगा आप स्थान परिवर्तन करें। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है, हाँ अगला कार्ड इस कार्ड की कंफर्मेशन दे रहा है कि ये जो आपका स्थान परिवर्तन होगा ये परमानेंट नहीं होगा, ये होगा टेम्प्रेरी, कुछ समय के लिए, कुछ कालखंड के लिए। जब आप अपने आप को फिर सही पोजीशन में पाएंगे तो आप निश्चित रूप से वापस अपने पुराने स्थान पर आ जाएंगे, अपने पुराने लोगों में आ जाएंगे। हाँ, आप जो ये स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं इसमें आप कुछ मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, और ये जो भी पिछले दिनों आपके साथ हुआ है उस स्टिफनेस को, जो आप में वो स्टिफनेस आ रही है, आप उस स्टिफनेस को भी हटाना चाह रहे हैं, आप अपनी उस स्टिफनेस से बाहर आना चाह रहे हैं, आप अपनी उस स्टिफनेस से खुद को सेपरेट करना चाहिए। तो आप जाएं, घूमें, थोड़ा अपने आप में चेंज लाएं, जिससे आपका मन और दिमाग, बुद्धि दोनों शांत हो जाएं, दोनों में एक शांति आ जाए, ताकि आप आगे का जीवन अच्छे से जी सकें। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, इससे आप अपने को कुछ डिसग्रेस में महसूस कर रहे थे, आपके सम्मान को भी कुछ ठेस पहुंची है, धन का लॉस तो इंसान झेल जाता है लेकिन जब सम्मान के ऊपर कोई ठेस पहुंचती है तो वो थोड़ी बर्दाश्त से बाहर होती है, वही आपके साथ हुआ है। और ये जो डीलिंग अच्छे ढंग से नहीं हुई है उससे आप थोड़ा अपने आप को अपसेट फील कर रहे हैं, चाहे आपका लव मैटर हो, चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर हो, जो भी मैटर हो, आप उन सब में अपने आप को आइसोलेट पा रहे हैं, अपने आप को अकेलापन में महसूस कर रहे हैं, लेकिन यही अकेलापन आपको एक कोई नए आइडिया के साथ नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, इस तरह की भी इसमें बात आ रही है, क्योंकि ये जो नई अपॉर्चुनिटी है ये आपको आपकी इंट्यूशन से ही मिलेगी, जब आप अपना मंथन कर रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे परिस्थितियों का, उन्हीं में आकर के ये आपको अपॉर्चुनिटी इंट्यूशन के द्वारा ही मिलने वाली है, और इससे आपका एक नया मार्ग प्रशस्त होगा, आप नए उससे ऊर्जा से कार्य को करेंगे, ऊर्जा से करेंगे। ये कार्ड जो बता रहा था उसकी कंफर्मेशन ये कार्ड दे रहा है कि आप अपनी बैड मेमोरीज से बाहर आएंगे और एक जो आप विजिट करके आएंगे स्थान परिवर्तन की, उसके बाद आप एक जॉयफुल मूड में आएंगे, तरोताज़ा होकर आएंगे, अपनी एक नई शुरुआत करेंगे और बैड मेमोरीज को आप वहीं पर छोड़ कर आएंगे, जो नए स्थान पर गए हैं वहाँ की गुड मेमोरीज के साथ आ करके नए अच्छे सुबह के साथ आप नया कार्य अपना अवश्य शुरू करने वाले हैं। आप पास्ट में रिविजिट करना नहीं चाहेंगे और करना चाहिए भी नहीं। तो आज की रीडिंग थोड़ी हटके थी, और अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथी टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अपना प्यार दें। हरिओम नारायण हरिओम।